क्लास दिस इज एपली पर आज हम नाइन्थ क्लास की यूनिवर्सिटी का चैप्टर नंबर 5 था उसको हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट योरसेल्फ 5.2। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है इज द बॉयलर एप्लीकेबल टू लिक्विड्स के जो बॉयलर है क्या वो लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है, मतलब क्या लिक्विड्स के ऊपर वो उसका जो हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया था क्या वो उसका हम सेम एज इट इज लिक्विड पे कर सकते हैं। तो इसका आंसर नो है कि हम उसको लिक्विड पे नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड को अगर हम कंप्रेस करना चाहें तो उसको हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसको अगर फिर भी हम उसको एक कंटेनर में रखकर उसको ऊपर से प्रेशर देते हैं, अगर उसको प्रेस करते हैं तो लास्ट हो सकता है। सो दैट्स व्हाई जो ये बॉयल्स का लाया ये लिक्विड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉयलर वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर, क्या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो जो इसका जो लॉ बॉयल्स का है क्या ये वेरी करता है? तो इसका एक आंसर तो ये है कि वेरी करता है, क्योंकि जो बॉयल्स का है वो इस चीज़ को कंसर्न करता है जो जो हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर हम चार कंटेनर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो चारों कंटेनर्स हैं उनका टेम्परेचर एक सा हो, फिर चाहे वो हाई हो या लो हो वो एक सा टेम्परेचर हो, ताकि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं तो जो उसकी बॉयलर की जो पहली टर्म में जो उसकी कंडीशन है वो यही है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। तो अगर हाई टेम्परेचर है तो उसके ऊपर अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, दूसरी बात उसकी ये कि हम अगर देखें कि टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो क्या होगा? अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो उससे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स उनकी वाइब्रेशन की जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनकी वाइब्रेटरी मोशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से क्या होगा कि अगर हम उसको प्रेशराइज करेंगे तो एक तो हमारे पास हमें फोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और दूसरा इसका भी यही चांस होगा कि जो हमारे पास जो कंटेनर्स होते हैं, जो हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर हमने गैस रखी हुई है उसके ब्लास्ट होने का चांस है। तो अगर हम जैसे हम देखते हैं हमारे अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासतौर पे उनके अंदर जो गैसेस के जो हमारे पास सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी ब्लास्ट सुनते रहते हैं। वैसे भी कई कभी हम न्यूज़ में भी आ जाता है कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, तो इसी वजह से होता है कि या तो वो हम अगर गाड़ियों की बात करें तो वो इंजन के पास होता है, जिसकी वजह से वो हीटअप हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उसको बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है वाइब्रेटरी मोशन बढ़ जाती है और वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। सो दैट्स वाई इसको हाई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर टेम्परेचर इतना हाई है कि उसको उसको जो कंटेनर है उसको वेयर कर सकता है तब हम इसको कर सकते हैं। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ इफ द प्रेशर ऑन अ सैंपल ऑफ गैस इज राइज 3 times एंड इट्स टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। अगर टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा जाए और जो प्रेशर है उसको 3 times बढ़ा दिया जाए, 3 times तो क्या होगा? तो हमने अपने जो पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, हमारे पास 4 कंटेनर थे जिसके अंदर हमने पहला हमने इसी तरह 3 times तक आखिरी तक हमने टेम्परेचर अपना जो प्रेशर था वो बढ़ा दिया था, तो उससे हमें क्या हुआ था कि जो उसका जो गैस का वॉल्यूम था वो कम होता चला गया था। पहले 1 decimeter cubic था, फिर 0.5 decimeter cubic हो गया, फिर और कम हो गया 0.33 decimeter cubic, फिर और ज़्यादा कम हो गया 0.25 decimeter cubic हो गया। तो क्या होगा कि प्रेशर बढ़ाने से अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो क्या होगा कि वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डू यू नो ब्लड प्रेशर जो है वो किस तरह से मेयर किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर मेयर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सिंपली टॉर के अंदर मेयर किया जाता है, मर्करी हम यूज़ करते हैं उसके अंदर खासतौर पे, मर्करी के अलावा डिजिटल भी आजकल स्पेक्ट्रोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर ब्लूम करने वाले आ रहे हैं, वो स्पेक्ट्रोमैनोमीटर कहते हैं। तो आजकल जो स्पेक्ट्रोमैनोमीटर वो डिजिटल भी आने जिनके अंदर मर्करी यूज़ नहीं हो रहा, तो क्या होता है इसके अंदर कि उसके अंदर प्रेशर सिंपली टॉर्स के अंदर इसको मेयर किया जाता है। तो उसके अंदर हम जो रेटिंग आती है हमारे पास 120/80 नॉर्मल, लेकिन आजकल के दौर में जो नॉर्मल है वो 130/90 इसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हमारे कुछ गजाएँ इस तरह से और कुछ हमारे टेंशन आजकल जो मार्च में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से क्या है कि जो कॉन्स्टेंट ब्लड प्रेशर उसको ये मेयर किया जाता है। अब इसकी 2 readings की वजह क्या है? पहली रीडिंग जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जब दिल सुखड़ता है, यानी जब दिल सुखड़ा उसने जो ब्लड था उसको आर्टरीज के अंदर पंप किया, तो जब उसने आर्टरीज के अंदर उनको पंप किया तो प्रेशर ज़्यादा था, उसको उसको हम हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर को हमेशा पहले लिखते हैं, ये होता है हमारे पास सिस्टोलिक, और दूसरा जो है ये हमारे पास जो कम होता ही होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक प्रेशर से मतलब जब दिल रिलैक्स करता है और जो ब्लड है वो वेंस के जरिए से वो सक करता है अपनी तरफ, यानी पूरी बॉडी से अपनी तरफ वो सक करता है उसको, तो उसको क्या कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, तो वो ये होता है। तो सिंपली अगर हाइपरटेंशन देखा जाए, हाइपरटेंशन से मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जिस वजह से हमें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, यानी कि दिमाग की पेशियाँ पड़ सकती है, जिस वजह से हमें पैरालिसिस हो सकता है, फॉलिज हो सकता है। दूसरी वजह उसका क्या हो सकता है, हमें स्ट्रोक आ सकता है, ट्रोमा, और उसके अलावा हाइपरटेंशन की वजह से हमारा सिंपली हार्ट अटैक आ सकता है।
तो इसके बरक्स हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, तो इसकी भी बहुत सारी रीजन होती हैं और इसके अंदर डेथ के चांसेस हाइपोटेंशन में तो इतने नहीं होते, लेकिन ये इंसान के लिए ओबेसिटी खतरनाक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।